आफ्टरनून क्लास। हमने लेक्चर वन में सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और कैसे हम किसी प्लेन के अंदर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम उस पॉइंट के कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो कैसे हम उस प्लेन के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं उस पॉइंट के जो हमें गिवन होता है। तो जैसे कि ये हम लास्ट में क्वेश्चंस भी किए थे कि हमें पॉइंट दे दिए थे, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। एक्स एक्सिस वाला पहले लिखा था, वाई एक्सिस वाला बाद में लिखते हैं। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस उसका जीरो हो जाएगा और एक्स एक्सिस -3 तो -3। तो आज हम जो इस एक्सरसाइज में सीखेंगे 2.3 में, 2.3 होगी, हाँ 2.3 में, कि प्लॉटिंग ए पॉइंट इन इट्स प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। अब हमें कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, जैसे कि यहाँ 5, -5 और 2 हमें गिवन क्वेश्चन में दे दिया और हमें इस प्लेन के ऊपर हमें पॉइंट प्लॉट करना है। तो इसी बुक के अंदर देख लेते हैं, एक एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल को सोल्व कर लेते हैं एक बार, आपको इस एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा सारा। लोकेट द पॉइंट 50, 05, 25, -3, -5, -3, -5, 5 और -3 एंड 6, 1 इन कार्टेशियन प्लेन। तो हम एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपनी कॉपी में। अब हमने जो है ये एग्जांपल लिख लिया है, हमें जो पॉइंट्स लोकेट करने हैं वो कौन कौन से हैं, 50, 05, 25, -3, -5, -3, -5, 5, 3 और 6, 1। ये हमने प्लेन ड्रॉ कर लिया है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, सॉरी मैं यहाँ पर नंबर लिखने भूल गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने अपने अकॉर्डिंग किया, हमें जैसे 6 तक चाहिए था एक्स सेगमेंट, 6 तक चाहिए था एक्स एक्सिस में, तो हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया, 5, 7 कर लिया। अगर यहाँ पे हमें 10 प्लॉट करना होता तो हम इसे और नंबर ड्रॉ करते। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग कर दी है कि हमें कितने कितने तक चाहिए। जैसे कि अब जो पहला पॉइंट है जो हमें प्लॉट करना है वो है 50। हमने क्या बताया था कि कोमा से पहले वाला जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस वाला होता है, कोमा के बाद वाला जो होता है हमारा वाई एक्सिस वाला होता है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। एक्स एक्सिस हमारा ये है, इधर -5 मिलेगा हमें, इधर मिलेगा हमें 5। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो हमें ये मिल गया और उसी में वाई एक्सिस क्या है, 0। वाई एक्सिस 0 यही मिलेगा, वाई 0 और एक्स 0 और एक्स 5। तो हमें ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहाँ मिलेगा। अब जैसे एक ये वाला पॉइंट है 2 और 5, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5। याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5। हमने एक्स एक्सिस पे 2 देखा, 2 हमारा हो गया यहाँ, लेकिन अब जो है वाई की वैल्यू जो 5 है, 0 नहीं है, जो ये एक्स 2 हो गया तो हमने यहीं प्लॉट कर दिया, या फिर वाई की वैल्यू 5 यहाँ है तो एक यहाँ प्लॉट कर दिया। अब एक्स 2 और वाई 5 दोनों को एक साथ प्लॉट करना है, वाई 5 यहाँ पे रफली ड्रॉ कर दीजिए, और ये एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहाँ जाकर मिलेगी। आपके ग्राफ में तो लाइंस खींची हुई होती हैं, आपको ग्राफ में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 2 वाली लाइन, जो एक्स की वैल्यू जहाँ 2 है, एक इसके ऊपर से जो लाइन जा रही होगी और जो 5 के साइड में से लाइन होकर आ रही होगी, जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 और 5। या आपके ग्राफ में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 5, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5। जहाँ वाई की वैल्यू 5 वाली लाइन और जहाँ एक्स की वैल्यू 2 वाली लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 और 5। जैसे कि इस पॉइंट में हमारी एक्स की वैल्यू थी 5 लेकिन वाई की वैल्यू 0, मतलब वाई की, मतलब एक्स वाली लाइन तो आप अगर यूँ खींचते हो, आप एक बार खींच सकते लाइन, एक्स वाली लाइन आपने ड्रॉ करी y = 5, ये हो जाएगी y = 5 पर लाइन। लेकिन जो y पे हमें जो पॉइंट था वो था हमारा 0, तो 0 तो एक वाई वाली लाइन तो यही रहेगी,
तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे इसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5 और 0। सिमिलरली एक्स 0 है, वाई 5 है, एक्स 0 हमारा कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, लेकिन वाई की वैल्यू 5 हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ वाई की वैल्यू 5 वाली लाइन, तो ये ड्रॉ कर रखी थी, एक्स की वैल्यू 0 वाली लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी, कहाँ जाके इंटर मिलेगी, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम बोल देंगे 0 5, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 0 है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 2 5 हमने प्लॉट कर दिया, अब हमें प्लॉट करना है 5 2, मतलब एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 5 तो ये रही हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 की, अब हमें जो है वाई की वैल्यू 2 चाहिए, वाई की वैल्यू 2 ये रही, इन दोनों की लाइन कहाँ मिल रही हैं, ये यहाँ जाके मिलेंगी। तो इस पॉइंट को जो हम कहेंगे वो कहेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 पहले लिखेंगे, वाई की वैल्यू टू है तो 2 पॉइंट हम कोमा के बाद लिखेंगे। ये हमने प्लॉट कर दिया 5 और 2। अब जो हमें प्लॉट करना है वो माइनस वाली टर्म प्लॉट करनी है, एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू तो 5 आपने देखी हुई है, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन पे वाई की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब हमें जो प्लॉट करना है वो एक्स की वैल्यू -3, इस क्वाड्रेंट के अंदर आप बताया था, ये क्वाड्रेंट्स इन जो 4 पार्ट्स होते हैं इनको हमने क्वाड्रेंट नाम दिया हुआ है। अब एक्स की वैल्यू -3 हमें ढूंढनी है, तो इस क्वाड्रेंट में हमें मिलेगी नहीं, इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस एक्सिस के लेफ्ट साइड देखेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 -2 -3, ये वाली जो एक्सिस होती है ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाली, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, और हमें एक्स की वैल्यू देखनी है -3, ये हमारी -3 हमने देख ली, लेकिन -3 अकेला नहीं है, वाई की वैल्यू 5 भी चाहिए हमें साथ में, तो -3 के साथ ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, ये 5 वाली लाइन साथ यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा ये हो जाएगा -3 और 5। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है -3 और -5, मीन्स एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, और वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -5। एक्स की वैल्यू -3 तो आपने फाइंड कर ही ली है, ये भी आपने देखी थी जो -3 5 प्लॉट किया था, एक्स की वैल्यू तो -3 है, लेकिन वाई की वैल्यू 5 ना हो के वाई की वैल्यू ओरिजिन के अपोजिट साइड में आकर देखिए -5 है, कोई बात नहीं, आपको -5 है तो -5 के साथ देख लीजिए कि -5 के साथ -3 कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करता है ये दोनों लाइन वो हो जाएगा पॉइंट। लेकिन जो कोऑर्डिनेट हमें जो लिखते हैं वो हमेशा एक्स वाला पहले लिखते हैं -3, वाई वाला हम लिखते हैं बाद में, तो ये हो जाएगा -3 से -5। नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई -3, तो -3 वाई यहाँ मिलेगा मुझे, और 5 जो मिलेगा मुझे पॉजिटिव का यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ग्राफ में तो लाइन आपके पास मिलेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, एक्स वाला पॉइंट पहले लिखेंगे, वाई वाला पॉइंट बाद लिखेंगे। ये माइनस प्लस का आप हमेशा ध्यान रखिए, कहीं आपने देख लिया ये इसका जो वैल्यू है 3 है तो 3 लिख दिया, -3 लिखा जाएगा, ये -3 है। जो लास्ट जो पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है 6 और 1, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्स की वैल्यू जो है मुझे 6 फाइंड करनी है, 0 1 2 3 4 5, ये होगा 6। अब वाई की वैल्यू हमारे पास 1, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 6, ये दोनों पॉइंट यहाँ जाकर मिलेंगे, तो इसको हमने नाम दे दिया है, नाम क्या दे दिया, ये हमारे पास 6, एक्स वाले आप पहले लिखेंगे वाई वाला बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 और 1। तो इस टाइप से आप कोई भी, आपको अगर आपको पॉइंट दे दें तो आप प्लॉट कर सकते हो आसानी से अपने इस प्लेन में।
हमने एक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, हमें जो है वो प्लॉट पॉइंट करने हैं एक्स और वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये हम टेबल दी हुई है कि एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 7। ये वही है जिस टाइप से हम ये लिखते थे ना, -1, 7। ये वही है, एक्स की वैल्यू -2, 8, हमने बस टेबल में लिख लिया है इसे। यहाँ जो हमें जैसे हमने जो ये प्लेन बनाया है इसमें हमें वाई की वैल्यू 8 तक चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे बनाया 8 तक। एक्स की हमें 3 तक चाहिए थी, तो हमने 3, 4 ले लिया, ज़्यादा लंबाई से नहीं लेके गए। तो ये अपने अकॉर्डिंग हमें कितना यूज़ करना है उस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। एक मैं आपको एक बात और बताने जा रहा था कि जैसे अब हम जो पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कर रहे हैं। अगर आपसे कोई यूँ कह दे कि आपको जो पॉइंट प्लॉट करना है उसका एक्सिस है 40, 80, मान लीजिए 40, 80 पॉइंट प्लॉट कीजिए, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि अपने ग्राफ को इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं आएगा आपके पास कि 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आप पॉइंट खींचेंगे। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे, ग्राफ के साइड में लिख देंगे जैसे आपके पास ये आ गया 40 to 80, तो आप लिख देंगे 1 यूनिट स्केल इजिकल्स टू 10 पॉइंट्स या फिर 20 पॉइंट्स कर दीजिए, प्लस टू 20। मतलब जो ये 1 यूनिट स्केल जो हो जाएगा 0 to 1 जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 20 या 40 या 60 या 80, ऐसे ही इधर भी -20, -40, -60। वो अकॉर्डिंग टू आपको किस, ये जो 20, 40 और 80 आएगा तो मुझे 20 सूटेबल लगा कि 20 मुझे यहाँ मिल जाएगा, 80 मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो ज़्यादा बढ़ाने पर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो मैं 10 का भी जो स्केल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर 10 का भी ले सकता हूँ कि 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 तक भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ आसानी से, लेकिन वो मैंने 20 ले लिया ताकि और छोटा बन जाए। तो ये स्केल आप जो आपको प्लॉट करने को कहेगा उसके उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। एक्स एक्सिस यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस का स्केल भी यही है, वाई एक्सिस का भी लिखना पड़ेगा अलग से आपको कि 1 यूनिट स्केल इज इक्वल्स टू 20 पॉइंट्स या कुछ भी। लेकिन अभी जो हम एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पॉइंट प्लॉट करने को कह दे 40 to 80, तो आप इतना लंबा ड्रॉ नहीं करोगे। आप इन्हीं स्केल्स को जो 0 to 1 है इसी को आप लिख दोगे कि 1 यूनिट स्केल का मतलब है 20 पॉइंट्स। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा था तो ये इसका मतलब है 1 यूनिट स्केल का मतलब है 1 पॉइंट 1 2। लेकिन जब आप लिख देंगे कि 20 पॉइंट्स हैं तो यहाँ लिखा जाएगा 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। मतलब एक यूनिट का जो गैप हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, 60, 80, 20 हो जाएगा, फिर 80 के बाद 20 और ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। ये हमें प्लॉट्स, ये जो पॉइंट है ये हमें प्लॉट्स करने हैं, एक मिनट। तो जो पहला पॉइंट है वो है एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 8। ये एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है नीचे वाला। अब हमें जो प्लॉट करना है एक्स की वैल्यू -2, ये रहा पॉइंट, लेकिन वाई की वैल्यू 8 भी चाहिए हमें। तो इस एक्स की वैल्यू -2 को ऊपर तक लेके जाते हैं, यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, ये जो हमारा पॉइंट आ गया वो एक्स वाला वैल्यू पहले लिखेंगे, वाई की वैल्यू बाद में लिखेंगे, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा एक्स की वैल्यू -2, 8। सिमिलरली एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 7 पर रोक दो, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये -1 से 7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट प्लॉट करना है एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, चाहे एक्स की वैल्यू 0 हो चाहे वाई की वैल्यू 0 हो, हमेशा हमें ओरिजिन पे ही मिलेगी। एक्स की वैल्यू 0 चाहिए, लेकिन वाई की वैल्यू जो चाहिए वो माइनस
1.25 चाहिए। अब आपने 1.25 लिखा नहीं, लेकिन आपके पास जो ग्राफ होता है उनके अंदर बीच में से लाइनिंग्स होती हैं छोटी छोटी, फिर एक बीच में हाफ, तो 1.25 का मतलब है कि 1/4 पार्ट इसका, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ जाकर आएगा, या आपके ग्राफ में बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएगा कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ जाकर मिलेगा। इस पॉइंट को आप लिखेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25, क्योंकि -1 हमने लिखा हुआ था, -2 लिखा हुआ था, ये वैल्यू इनके बीच में ही लाई करेगी, तो 0.25 है मतलब 1/4 डिस्टेंस आगे बढ़ेगी। ये हमारा होता है -1.25 वैल्यू इसके और इसके बीचों बीच लाई करेगी, तो आपने बीचों बीच पॉइंट खींच दिया जिसको आपने लिख दिया 0 और -1.25। इस टाइप से आप पॉइंट वाले नंबर प्लॉट करेंगे, बाकी तो सिंपल है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये यहाँ रख करके मिलेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, x की वैल्यू 3 बट y की वैल्यू -1, तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में हमें पॉइंट्स प्लॉट करना सिखाया कि कैसे हम प्लेन्स के ऊपर, प्लेन के ऊपर कैसे जो पॉइंट है उनको प्लॉट करेंगे। अगर पॉइंट हमारे पास ज़्यादा आ गए तो हम स्केल को चेंज कर सकते हैं, स्केल की यूनिट बढ़ा सकते हैं। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का 2 क्वेश्चन थे, एक तो हमने कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है, और एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल हैं वो भी हमने एक सॉल्व कर लिया है, जो सेकंड एग्जांपल बच गया वो भी आपके लिए होमवर्क है। तो आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक कंप्लीट करना है, आपका चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।